अनित खाप चबीसा से हवा सिंह प्रधान ओ अपने विचार हरियाणा तो रखेंगे उन्होंने तो बस डॉक्टर सतनाम सिंह जी जनाला सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा पंजाब उन्होंने तो बस सरदार हरनेक सिंह जी सूबा मीत प्रधान भारतीय किसान यूनियन वह भी तैयार हैं जी माननीय मंच संचालक और सम्मानित मंचाओ और मातृशक्ति मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, मैं सर्वजातीय अतुल खाप प्रधान आवास सिंह आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी खाप, पहले तो हम अपना परिचय दे रहे हैं, हमारी खाप रसोई यानी 20वां मील से लेकर गन्नौर तक जमुना बेल्ट में है, जो कि कहने को हम चौबीसा कहते हैं लेकिन लगभग हमारे 40 गांव हैं। हम जैसा कि 26 जनवरी को यहाँ हालात पैदा किए, सरकार ने 130 समझ रणनीति के तहत और हमारे भाइयों व किसान भाइयों पे पथराव किया गया, तो जैसे हमने वीडियो देखी, हम फोन 28 तारीख को इसी मंच पे आकर के हम ये डिक्लेयर करके गए थे, अगर किसी ने भी हमारे किसान भाइयों पर, चाहे वो पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, कोई भी उपद्रव किया क्या सरकार, हम उसको सहन नहीं करेंगे। हर हालत में हम अपने किसान भाइयों के साथ सर्वजातीय सभी जातियां मिलकर के अतुल 24 की सर्वजातियां सब के आपके साथ खड़े हैं। और उसी दिन हमने 30 तारीख से अपना टेंट रसोई पार करके साथ लगा दिया था और हमने अपने वॉलंटियर आपकी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखे हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय था। जहाँ तक कानून की बात है, ये तो आपको सभी ने, जितने भी वक्ता हैं उन्होंने बता दिया इसमें क्या है, काला है क्या भूरा है। हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं इसमें काला क्या है, हमें तो जैसे बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, हमें तो ये सारे काले नजर आते हैं। नहीं तो हमारे कृषि मंत्री जी हमें ये बता दें कि किसके आर्टिकल को लेकर के ये बता दें भाई इस कानून में, इस आर्टिकल में ये ठीक है ये गलत है, उसका संक्षिप्त विवरण हमें दे दें। लेकिन नहीं, दूसरी बात यह है कि जब तक चाहे ये सरकार चाहे तो बढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, हम छाती अड़ा करके इनके सामने डटे रहेंगे, हम पीठ दिखा करके भागेंगे नहीं। ये हमारी अतुल खाप का वायदा है, हम पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे। और जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाते, जब तक हम यहाँ से आपके साथ खड़े रहेंगे, हम मैदान छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब मैं छोटा सा एक आपको बताता हूँ, एक संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 संविधान का ये आर्टिकल क्या कहते हैं, कोई भी सरकार किसी भी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का यानी सरकारी संपत्ति का, चाहे वह कृषि है चाहे कुछ भी है, उसका निजीकरण नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान के आर्टिकल में है। अगर कोई सरकार इनका उल्लंघन करती है, निजीकरण करती है, तो और सरकार हमारे न्यायालय उसके ठीक फैसला देते हैं, तो ये देशद्रोह के उसमें देशद्रोह की श्रेणी में आता है और इसमें उम्र कैद तक का प्रोविजन है। 42वां संशोधन किया जब सरकार, संविधान संशोधन, उसमें गोरखनाथ नाम के केस से एक अपील हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये मानना था कि सरकार कोई भी निजीकरण नहीं कर सकती, क्योंकि निजीकरण करने से देश की संपत्ति, इसका पैसा कुछ निजी लोगों के हाथ में चला जाएगा, निजी लोगों के हाथ में जाएगा तो हमारे जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो बेगार हो जाएंगे और उनको 5-5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी पे जो है लगाया जाएगा। जब संविधान का निर्माण किया गया तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें ये फैसला लिया गया कि भाई देश को प्राइवेट सेक्टर में डाला जाए या पब्लिक सेक्टर में,
तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये फैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर की बजाय इसको पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी उसमें डाला जाए ताकि बच्चों का रोजगार बना रहे और कोई भी संस्था ऐसी ना हो जिसके हाथ में कुछ लोगों के हाथ में देश की संपत्ति चले जाए और देश गुलामी की तरफ बढ़ जाए। ये हमारे आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 में साफ लिखा है कि सरकार जो है वो किसी का निजीकरण नहीं कर सकती। आज ये सरकार हर चीज़ का निजीकरण प्राइवेटलाइजेशन करने जा कर रही है और हमारी नज़र कुछ कारपोरेट घरानों को इस देश की बागडोर दे रही है। इसके साथ विदेशी कंपनियां भी आ जाएंगे। जिस तरह भारत पहले 1947 से पहले गुलाम था उसी तरह से गुलामी की तरफ हमें ले जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अगर किसान नहीं तो अनाज नहीं। आप किसका खा रहे हैं? आज रोटी खा रहे हैं, किसानों के पैदा किए अनाज से खा रहे हैं। अगर हम अनाज पैदा नहीं करेंगे तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? आपको शायद याद होगा 1965 जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो पहले हिंदुस्तान में अनाज की पैदावार बहुत कम थी तो अनाज हमारा अमेरिका से आता था और अमेरिका ने यह कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया जाए, अगर नहीं मानोगे तो मैं भारत का अनाज बंद कर दूंगा। तब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और ये कहा था भाई जहाँ भी आपको ज़मीन मिलती है आप गेहूँ पैदा करो। शायद मोदी जी को ये नहीं पता अगर आज हम गेहूँ या अनाज पैदा करना छोड़ देंगे तो भारत की स्थिति जो है वो 1965 वाली हालत में आ जाएगी। ये इसको एक भ्रम है। मैं मोदी जी को एक आगाह करना चाहता हूँ कि मोदी जी आप चाहे भी जो हम पर जुल्म करें, आप चाहे जो भी हम पर जुल्म करें, हम यहाँ से टिकने वाले नहीं हैं। हमारा एक नारा था जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब, हमारा नारा है। देखना है हमने यह है कितना दम बाजुए कातिल में, हम ये भी देखते तेरे में कितना दम है और हम में कितना है। इसलिए मैंने आपको संविधान की बता दी, बाकी कृषि कानूनों के बारे में हर वक्ता ने बता दिया, आपको पता है। मैं ना तो कहना यही है कि मोदी जी चाहे हमारे ऊपर कुछ भी करें हम जाने वाले नहीं है, पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा, जय पंजाब, पंजाब हरियाणा भाईचारा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हवा सिंह जो प्रधान ने खाप दे उन्होंने अपने विचार रखे ने हरियाणा तो। हुण डॉक्टर सतनाम सिंह जी जनाला सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा पंजाब वह 10 मिनट वास्ते विचार रखेंगे। उन्होंने बाद सरदार हरनेक सिंह जी खोक सूबा मीत प्रधान भारतीय किसान जूनियर राज्यवाल वह भी तैयार हैं जी। साथियों असं रोज़ ही गिला करते हाँ भी जो साड़ी वारी आँदी है तुम पता नहीं चले चुले जाते जे अक थक क्यों जाते जे। हाँ जी हाँ की गल आ, सो गज के जेडे नारे लाओ पहला तो साढ़े नाल मिलो थके थके लगते जे तुम कोई प्रबंध ना करया करिए भी चाह पिला दिया करिए बिच। हाँ जी हाँ जी सो नारा लाइए फिरकू फाशीवाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, फाशीवाद मोदी फिरकू फाशीवादी नू जालम सरकार मुर्दाबाद, मोदी दी जालम सरकार मुर्दाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। साथियों आज बहुत बड़ी बधाई आ, कल मैं अपनी जिंदगी चे तीसरी रेलां दी चक्काबंदी वेखी आ,
एक दफा रेलवे ने हड़ताल की सी बहुत वड्डी बहुत वड्डी बहुत वड्डी सारा देश दा चक्का जाम हो गया सी। उन्हां लोकां ते इन्ने परचे कर दिते जे मैं ना लवां लड़ी लवां लोकां दियां तीहां तीहां सालां दियां नौकरियां खत्म करतियां। बारह पत्थर करते बारह पत्थर जड़ियां रेलां नूं बंद करना तुसीं वेख्या जे कोई चैन खिचे लिखिया हुंदा इन्ना जुर्माना हो जाएगा। कल सारे देश दियां 5000 ट्रेनां दा चक्का जाम होया बहुत वड्डी वधाई है लोकां नूं बहुत वड्डी वधाई है। पंजी लख यात्रियों ने भी साड़ी हमायत की है कितने इक्का दुक्का नूं छड़ के जिहड़ी भी ट्रेन रुकती सी जिथे भी अगे साथी साढ़े बैठे हुंदे सी उन्हां नूं जल पिलाउंदे सी बीबी जी उन्हां नूं चाह पिलाउंदे सी पुछदे सी जे खाणा खाणा ते खाणा भी खिलाउंदे सी। सो सारे देश दे विच जिहड़ा इह मोदी ने पंजाब हरियाणा जां उत्तरी भारत दा कहिंदा सी अंदोलन आ ओ साम दियां पहाड़ियां विच त्रिपुरा वल नूं जिहड़ी नवीं रेल निकली आ केरला तक सारा देश जिहड़ा 4 घंटे लई जाम हो गया ये बहुत वड्डी गल है। वो मोदी दे मूँह ते बहुत वड्डी चपेड़ आ जिहड़ा कहिंदा सी अंदोलन इत्थे हुण दसो गल कर दो तोमर बोलिया जदों गड्डियां दा चहिया जाम होया ते फिर उहने प्रैस कानफरेंस कीती आ भी नहीं गलबात तो अं करनी चाहते हाँ पर इन्हों 12 नुकते दिते ही आ साथी मेरा बोल गया पहला वो 12 नुकते नहीं समझाए गए मैं ही बड़ी बरा क्या वो तो एवं मैं ना मानने वाली गल है। सो अज जिहड़ा मोदी रोज़ अखबारों च भरदा भी मेरी आर्थिकता बहुत अगे निकल गई मेरा देश बहुत अगे निकल गया मैं बहुत हुण दुनिया का वड्डा आगू बनना चाहुंदा दाड़ी वधाउण लिया वो टैगोर बनना चाहुंदा टैगोर की जुत्ती वर्गा नहीं मोदी वो कहिंदा मैं टैगोर बनना वा बंगाल का टैगोर जिन्हें नोबल प्राइज लिया। सो अज तुसीं वेखो आ जिहड़ा पेट्रोल दियां कीमतां ने साडी कल मीटिंग होनी आ सारियां जथेबंदियां दी उहदे चर्चा करांगे कोई दिन नियत करांगे भी पेट्रोल दियां डीजल दियां कीमतां नूं नत्थ पाउण लई असीं इह मोर्चे चों कोई समां कढ के इस मोदी दा मूंह भन्नीए नाले दसीए उह 29 रुपये 34 पैसे पेट्रोल जिहड़ा इत्थे साफ हो के डीजल आ जांदा 29 रुपये 34 पैसे वो आण के इत्थे सारे टैक्स ला के तेने 100 रुपया बणाता। पाकिस्तान दे विच 52 रुपये पाकिस्तान रोज़ ही गालां कढ़दा वा पाकिस्तान च 52 रुपये पर अफगानिस्तान रोज़ लड़दा जिहड़ा रोज़ उत्थे लोग लड़दे मरदे आ पेट्रोल किन्ने दा उह चाहीदा तां है ना ज़्यादा होवे 45 रुपए दा 45 रुपए दा साढ़े 100 रुपए उत्थे किन्ने दा 45 रुपए दा। कोई भी देश श्रीलंका च भी 50 रुपये इस तरह साढ़े लागे बर्मा उत्थे भी 50-52 रुपये आ चीन दे विच भी साढ़े नाल बहुत सस्ता। सो इस करके मैं तां दसदा भी तेल की हकीकत समझण की लोड़ है। इंदिरा गांधी ने 1973-74 याद रखियो मेरी गल 73-74 विच 70% असीं तेल अपना पेट्रोल ते डीजल अपने देश चों कढ़दे सी क्यों गुरनाम सिंह जी पता लगा मेरी गल का 70% 30% अं बाहरों लियांदे सी क्यों 70% अं इत्थों कढ़दे सी साडा ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन बनिया सी तेलों का कमीशन उस समुद्र चों तेल कढ़दा सी धरती चों तेल कढ़दा सी पहाड़ां चों तेल कढ़दा सी। इंदिरा गांधी ने जदों अमरीका ने जफियां पाईयां बाहरलियां देशां दे नाल पहला साडे देश का समझौता होया भी असी हुण असी तेल का कढ़न का काम बंद करांगे तेल बाहरों मंगावांगे वो जिहड़ा नैचुरल ऑयल कमीशन सी उहनूं कमजोर करता कमजोर
अज की हालत है 25-30% नहीं अपना पैदा करते हैं, बाकी भैनों भरावो कितों लियाने अरबां मुल्कां दे विचों। अजे अरबां मुल्कां दा वेखो भी अरबां मुल्कां दे विच ईरान कहिंदा मेरे को वधी कीमत लो, उन्हें अमरीका ने मारी कुरकी, मुर्ख अपना मोदी जानदा रहेगा तेरा मैं नाका बनी करूंगा जे तू ईरान को सस्ता तेल ले लिया। वेखो है सदी ना बुलाई मैं तो लाड़े दी ताई, ईरान तो तेल लैन नाल सानू बहुत सस्ता पैंदा, ईरान तो गैस लैन नाल सानू सस्ती पैंदी आ, होर कई अरबा मुल्कां तो सानू सस्ती पैंदी आ, पर मोदी आंदा इत्थों लो इत्थों ना लो। उन्हें अपनियां दुकानां बनाईयां ने, नाल दी नाल ईरान कहिंदा कोई अपने पैसे लियो हिंदुस्तान वाले पैसे ने मेरे को तेल लै जाओ, नाल दी नाल कहिंदा चौलां चाड़ा ना भर के लैओ जिहड़े आ जिहड़ियां चीज़ां दी उन्हां नूं छोड़ो, कहिंदा अपना जिहड़ा समुद्री जहाज आ उहनूं भर के लियाओ, खाद परा दीआं सस्तां साडे कोलों तेल भर के लै जाओ। पर इन्हां ने उल्टी कंगा फड़ी होई आ। जे होर अगे जाइए, असीं जदों पढ़दे हुंदे सां ब्राज़ील पहला मुल्क दुनिया दे विच जिन्हें गन्ने तो पेट्रोल बनाता, गन्ने तो पेट्रोल। आ साथी मेरा खलोब गया, अजे 10 मिंटां च बड़ा चिर रहिंदा वा, मैं दसना चाहुंदा अपने पिंड दी हकीकत। साडे पिंड दा जवाई इंजीनियर बुलट उन्हें मोटरसाइकिल लिआंदा, असीं मुंडे छुंडे एवें कदे दूई चौथी पंजवीं च पढ़दे हाँ गए भी बुलट एवें उहनूं एवें किक्कां कुक्कां मारीए, उन्हों कि याद भुल गया उदों तिया चार उन्हें लाई उंगल नूं लाई ते जदों बड़ी सुट्टी विच ते किक मारी फट 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 फट, चलदा कि नहीं चलदा। वो पेट्रोल गन्ने तो जिन्ना मर्जी बनाओ, गन्ने तो जिन्ना मर्जी साडियां खंड मिलां आंदे खंड साढ़े को वाधू होगी तो चार पेट्रोल बना लो। जदों हलवाई जदों अग बोझदी जावे की करदा हुंदा बीबी जी, खंड दी मुठ पुड़ के सुटदा हुंदा कि नहीं, फट पटाका पैंदा हुंदा कि नहीं पैंदा, मैनूं दस दिओ जी। खंड दा दूजा नां पेट्रोल है। सो मैं इस करके कहिंदा ओ यारो, सानू 29 रुपये की चीज़ 100 रुपये, असी जदों MSc वड्डियां पढ़ाईयां पढ़दे सां कणक पैसे दा 55 पैसे दा, पेट्रोल 71 पैसे दा। मैं बड़ी तरह तुहानूं दस्सिया वो साडी कणक पिछे रह गई, साडा झोना पिछे रह गया, साडा गन्ना पिछे रह गया, सानू सारे बन्ने पिछे कर दिता ते मोदी अगे आ गया। सो इस करके जिहड़ा अज साडा मोर्चा, इहनूं मामूली मोर्चा ना लै लिओ। जे मैं गन्ने की कहानी दसा, वो 1 क्विंटल गन्ना 310 रुपये मान लो मिल गए, अवल तो मिलते नहीं गए, 3-3 साल हो गए आ, 10 किलो खंड 400 की खंड बन गई, बन गई कि नहीं बन गई मैं दस। 5 किलो राब उहदे चो शीशियां किन्नियां बनदियां ने, 5 5। आ बुटरां वालियां ने नाले खंड मिल लिया ते नाले लाल परी वाली मिल बनाई आ तरन तारण दे विच, वो पंजां दा मुल किन्ना बनदा आंदे जी 500 वाली आ, हुण आंदे जी 800 वाली बनाती आ, फिर उहदे चो चूरा किन्ना, उहदे चो इक होर राम मिलदी आ जिहड़ी होर कई खाद पदार्थ बनते आ। सो गन्ना जिउंदा लखदा ते पीड़िया किन्ने दा भी 1.25 लख, सानू उहदे पैसे नहीं दे रहे। मैं गल करनी चाहुंदा इसे तरह साडी कणक, इसे तरह साडा झोना, इसे तरह सब्जियां, ये सानू लुट दा माल इन्हां बनाया वा। मैं कहना चाहुंदा भी ये साडे मोर्चे ने लम्मियां गल्लां कर लियां, विचारवान तुहानूं बणाता, अज अखबारां भरियां पईआं। इस मोर्चे ने साडे पंजाब दी हरियाणे दी कौमीयत बदलती है, साडा कल्चर बदलता, साडा रहना सहना बदलता, बहुत वड्डियां प्राप्तियां इस मोर्चे ने कीतियां।
ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ 11 ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੜ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰੈਕਟਰ 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 ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਟਰੈਕਟਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੰਘੇ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਫੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਾਪੂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਵੰਡੇਗੀ, ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਜੇਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੋਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਕਿਤਨਾ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਸੱਤੂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਠੇ ਕਾਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਦਾਮਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਢਣੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਫਿਰੂਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਆਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ ਚਾਚੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫੋਟੋ ਲਓ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਫੋਟੋ ਲਓ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੋ ਭਗਨਾ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸੋ ਭਗਨਾ ਬੀਬੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਮੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ,
मुंडिया मंडिया ने कहा बापू तुहानू किहड़े घर जाना आंदा मैं सोण सों दे जाना जिहड़े जेल च अपने आप नूं सोण सों कह रहा वो लेके गया अगे बीबी बैठी आंदी किहड़े बड़े नूं लै जे उन्होंने मुंडिया ने मंजा डाया तो आंदा मैं ही सोण सों पक मैं ही तेरा घर वाला सो इस करके ये मोर्चा जे लम्मा भी हो जूगा कोई ऐसी गल नहीं वो यार अंग्रेजा नूं कढ़न दी सही 100 साल लाए लाए कि नहीं लाए मैनूं दस दिओ किन्नियां फांसियां होईयां उन्हां फांसियां जो 90% फांसियां आ पंजाब किहड़े दीआं हरियाणा बाद च बणिया दिल्ली तों लैके अफगानिस्तान तक आ जिहड़े मोदी होणी कोई एवें झूठे शहीद बनाउणा चाहुंदे आ उन्हां दी उंगल नूं ते किते कुड़ी चीची नूं लहू नहीं निकलिया किते सो इस करके मैं अपने समय सीमित दे विच तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा धार्मिक कट्टड़वाद जिहड़ा पुराने किस्म दा उह ते कहिंदा तुसीं करो उह ते कहिंदा इहो जिहीआं फोटोआं लाओ मोदी दे थल्ले बंदे भेजे आ कल मैं वेख्या इत्थे इक बीबी फिरदी सी ਉਹ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਮੈਂ 16 ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਐਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਤਨਾ ਕੁੜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਰੋਡ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਸ਼ਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਲੇਹ ਹੈ ਨਿੱਜ ਪਲ ਸੇ ਲੇਹ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।